आज से कुछ समय पहले की मैं बात करूं कि आप जब कभी भी अपना बैंकिंग ट्रांजेक्शन मतलब करने जाते थे, अपने होम ब्रांच को विजिट करते थे और घंटों समय व्यतीत करने के बाद, कतार में खड़े होने के बाद से आपका जब कभी भी नंबर आता था, तो आप जिस टाइप के ट्रांजेक्शन पर्पज से जाते थे अपने ब्रांच में, उस टाइप का ट्रांजेक्शन आप कर पाते थे अपना नंबर आने पे या आपका बारी आने पे। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर के कौन वैसे 12 मोस्ट पॉपुलर बैंक है जिसका यूज करके केवल आप अकाउंट नंबर प्रयोग करके अपना पैसा जो है विद इन 10 सेकंड मंगवा सकते हैं और पैसा भेज भी सकते हैं किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का यूज के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन डिजिटल बैंकर। तो वीडियो के साथ शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, आए दिन आप और हम किसी भी थर्ड पार्टी यूपीआई एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में और अपने मोबाइल लिंक्ड बैंक अकाउंट को वेरीफाई करके हम यूपीआई का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा फोन पे, गूगल पे, भीम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक की। तो अगर आप एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के यूजर्स हैं तो आप देखते होंगे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पहले जो है अनदर बैंक अकाउंट लिंक का ऑप्शन नहीं देता था, जैसे कि फोन पे में आप किसी भी बैंक अकाउंट लिंक से मतलब अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई करके आप यूपीआई बना सकते हैं। तो पहले ये फीचर जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर में नहीं था। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने भी वैसा ही कर दिया जैसे कि फोन पे करता है, यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर भी आप किसी भी बैंक अकाउंट को अपने मोबाइल नंबर लिंक से वेरीफाई करके उसका यूपीआई बना सकते हैं। तो ये रही बात की बात, लेकिन अब जब कभी भी आप पैसा सेंड करने के ऑप्शंस में जाते होंगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर में, तो आप देखते होंगे वहां पे आपको 3-4 ऑप्शंस दिखलाई देते हैं। तो अब जैसे ही मनी सेंड वाले ऑप्शंस पे टैप करेंगे बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने के लिए, तो आपको देखिएगा वहां पे नीचे में 12 ऐसे बैंक का लिस्ट नाम दिखलाई देगा जिस पे आप उसके लोगो पे यानी कि आईकॉन पे टैप करके आपको केवल अकाउंट नंबर डालना होगा और आप पैसे को आसानी से 10 सेकंड के अंदर में भेज सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक को केवल उस बैंक का नाम जो है सिलेक्ट करना है जिसके अंडर में मोस्ट पॉपुलर बैंक लिस्टेड है और आपको केवल अकाउंट नंबर डालना है और आपको ऐड एज अ बेनिफिशियरी टैप करना है। आप जैसे ही ऐड एज अ बेनिफिशियरी टैप करेंगे और यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड और ना ही कस्टमर्स का नाम एंटर करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स का नाम एज अ वेरिफिकेशन के तौर पे जैसा शो करता है जैसा कि उसका पासबुक में नाम रहता है। तो यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नज़र में जितने भी मतलब मोस्ट पॉपुलर बैंक है उनका नाम जो है इस प्रकार से है, मैं कुछ आपको बता देता हूँ और जैसा कि आप यहाँ पे लिस्ट में देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया और एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया और बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। इस प्रकार से जो मोस्ट पॉपुलर बैंक है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एप्लीकेशंस के अंदर में उनका नाम इस प्रकार से है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप मेरे वीडियो को देख पाएं। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और इतने अन्य वीडियो में नए अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों।